जम्मू कश्मीर में तीन खित्ते, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये समय समय पर हम कहते रहे हैं, लेकिन लद्दाख जो है उसको अलग कर दिया गया है, उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि केंद्र का दबदबा होगा और केंद्र यहाँ पर नीतियां बनाएगी और केंद्र यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि कौन सी नीति लद्दाख की जनता के लिए सही है और कौन सी नहीं है। यानी कि जो लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी चुनावों से पहले, और जब जेटी नामग्याल के साथ हमने बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि यूनियन टेरिटरी का मसला काफी अहम है। हालांकि उस समय वो इस तरह से एमपी नहीं बने थे, लोगों का इस तरह से मत हासिल नहीं था, लेकिन हाँ आज लोकतंत्र के मंदिर संसद में वो पहुंचे हैं और वहां पर जब भी वो बयान देते हैं और जब भी वो कुछ कहते हैं तो लद्दाख की जनता जो है उनकी सराहना करती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ लोग लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि हमारा जो रीजन है ज़ंस्कार, उसको हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। आखिर ऐसे क्यों है और क्या वहां पर सुविधाएं होंगी, किस तरह से उनको सुविधाएं मुहैया करवाई देंगी अगर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है, तो क्या लगता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ही क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने लद्दाख की एक बहुत ही पुराना, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर तब से हमारी एक पुरानी मांग थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, और ये हमारा एक सपना था। और इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपनी मेहनत और अपने लगन से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन लद्दाख, सिंस जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। जम्मू कश्मीर के दोनों जो भौगोलिक क्षेत्र को अगर जमा करें तो लद्दाख की भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है। तो भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव ज़्यादा होने की वजह से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने जिला मुख्यालय से 235 किलोमीटर दूर हैं, 240 किलोमीटर दूर हैं। सिंस माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप, तो एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे जो ज़ंस्कार के लोग जो हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर होने के कारण बिल्कुल कटा रहता है, और 245 किलोमीटर कच्चे रोड पे जब अपने मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय तक जाते हैं तो आप सुबह 6 बजे निकलते हो, रात के 9 बजे पहुँचते हो, आप कमर टूट जाता है। और हमारी जब किसी भी माँ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है तो बच्चे के डिलीवरी के लिए, तो उस बीच रास्ते में या तो माँ की भी मृत्यु होती है या माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु होती है, क्योंकि वो जो कच्चा रोड पे जब वो सफ़र करते हैं तो डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाता है। हमारे दुख है, पीड़ा है, जिसको आज तक किसी ने नहीं समझा, लेकिन हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पीड़ा को ज़रूर समझेंगे और हमें जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि जब से लद्दाख में यूनियन टेरिटरी की डिमांड उठी है तब से लेकर उस क्षेत्र के लोग जो है डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं दिया जाए? सर, लद्दाख के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी दुनिया के साथ कट जाते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या आपका क्षेत्र भी उसी में आता है? हाँ, हमारा जो ज़ंस्कार जो क्षेत्र है वो 7 महीने के लिए अपने मुख्य जिला मुख्यालय से भी कट जाता है और शेष विषव से भी कट जाता है। इसीलिए तो हम डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 6-7 महीना कट जाता है तो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ना मात्र के बराबर है। एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है कुछ पता नहीं, लोग जी रहे हैं मर रहे हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि सर्दियों में इतना बर्फ़ पड़ जाता है वहाँ पे, 7 महीना कटे रहना और ईयर स्टेप वहाँ पे है नहीं, तो हज़ारों जो है मुसीबतें। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, और इस बार उन्होंने कहा है सबका विश्वास। ये एक स्लोगन है, एक नारा है जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाती है। वह जनता के बीच जब जाती है, चुनावी रैलियां करने के लिए जाती हैं या संबोधन करने के लिए जाती है, उस समय भाजपा के नेता ये समझाते हैं कि हम विकास तो करेंगे लेकिन सबका विश्वास पाएंगे। लेकिन ज़ंस्कार जो है पूरी दुनिया से कट जाता है, बर्फीला इलाका है, बर्फ़ से ढका होता है, तो इनका कहना है कि वहाँ पर अगर ज़िले का दर्जा उसको दिया जाए तो बात ही कुछ और होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर, प्रशासन जो है वो हरकत में आएगा और जो काम इनके काफ़ी समय से अटके पड़े हैं वो होंगे। इनसे बात करेंगे। सर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या फिर हम कहें डेवलपमेंट अगर आपको किसी भी कंट्री की देखने आपको यहीं से मिलती है, वहाँ पर क्या इस तरह से कोई आप चाहते हैं, कोई मांग है कि कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज रहे? सर, वहाँ डिग्री कॉलेज है सर,
वहाँ टेक्निकल सेटअप बिल्कुल है ही नहीं जी। कुछ गिनी चुनी दो चार वहाँ पर लेक्चरर एक दो है, उसको छोड़ के है ही नहीं। आप शिक्षक क्या लेंगे सर? इसी तरह हर एक हाई स्कूल में टेक्निकल सेटअप नहीं है। इसी तरह इस वक्त का जो हॉस्पिटल है वहाँ एक ही लोकल डॉक्टर है, तो क्या बनेगा सर? तो या तो फैसिलिटीज़ हो, हेलीकॉप्टर का साधन हो, पहले होता था, बीच में वो भी ख़त्म हो गया, विंटर में लिफ्ट होते थे, पैसेंजर जितने भी जो लोग हैं पेशेंट या स्टूडेंट वगैरह इधर उधर जाते रहते थे, वो एक दो साल से बहुत डिले चल रहा है, इस साल तो ठीक तरह चला भी नहीं सर। ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो इसी तरह करगिल की हमारा डेवलपमेंटल डिपेंड कौंसल पे डिपेंड है, तो कौंसल के लोग आज से पहले वाला कौंसल की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल में एक कौंसलर ने शक्ल नहीं दिखाया, तो आप बताइए कि हमारा क्या होगा, तो कैसे होगा? सर, टूरिज्म के लिहाज से लद्दाख की ओर लोगों का रुख हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाइए, वहाँ पर आप खोजिए रोजगार के साधन, या फिर मैं कहूँ बॉलीवुड मूवीज़ का भी रुख वहाँ पर हो रहा है। आपको लगता है कि यूनियन टेरेटरी का जो दर्जा मिला है उससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी बढ़े? जी बिल्कुल बढ़ेगा, इससे हमें बहुत खुश है। मोदी जी का हम शुक्रगुजार है कि हमारा पुराना पेंडिंग डिमांड उन्होंने फुलफिल किया। हम बड़ा उम्मीद रखते हैं, अभी हम ही नहीं पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोग उम्मीद रखते हैं टूरिज़्म का। टूरिस्ट के लिहाज से ज़ांस्कर थोड़ा ज़्यादा है, करगिल से ज़्यादा है, क्योंकि हमने कल्चर मेंटेन रखा है। जिस हिसाब से अभी तक फैसिलिटीज देना चाहिए था वो फैसिलिटी टूरिज़्म वालों ने दिया नहीं। जिस तरह ले में दिया, गेस्ट हाउस बनाने के लिए सब्सिडी देते थे, हर घर में गेस्ट हाउस बने हैं, तो बेरोज़गार ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कोई कदम उठाया नहीं डिस्ट्रिक्ट करगिल में, पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट का गलती है या डिस्ट्रिक्ट की गलती है, पता नहीं। तो इसी तरह हमारे SDM को एरिया डेवलपमेंट का पावर है, डिप्टी कमिश्नर का पावर है, वो पावर नहीं देते हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। अगर वो होने से हमें काफ़ी फायदा रहना था, तो इसीलिए हमको अलग से डिस्ट्रिक्ट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इसलिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, ज़िले की मांग है, डिस्ट्रिक्ट की मांग है, क्योंकि इनको लगता है कि प्रशासन वहाँ पर जो अधिकारी होंगे, जो आधिकारिक तौर पर वहाँ पर काम करेंगे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और जो जनता है अपनी समस्याएं उनको सुनाएगी, जिससे वो निजात दिलाएंगे। हालांकि दुनिया से कट जाता है ये पूरा इलाका, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग कहते हैं कि टूरिज़्म के लिहाज से वहाँ पर हम चाहते हैं कि रोज़गार के साधन खोजे जाएँ, वहाँ पर हम चाहते हैं कि वहाँ पर बच्चों को नौकरियाँ मिले, बच्चे जो है अच्छी दिशा की ओर जाए। और बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं पर ही देश निर्भर करता है, और अगर युवा आगे बढ़ेगा तो देश खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ेगा। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।